दोस्तों बस आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें आईपीएल 2024 का ऑक्शन होते हुए नजर आने वाला है। और आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज किस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है, तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 दिसंबर को हमें आईपीएल 2024 का ऑक्शन होते हुए नजर आने वाला है। और जो ऑक्शन होने वाला है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करने वाले आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में लाइव देखना है आईपीएल के ऑक्शन को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए हम बिल्कुल फ्री में टेलीकास्ट करने वाले, और एमआई की टीम की ओर से जो भी अपडेट आता है सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दे देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से अपडेट्स और कौन सी न्यूज़ एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी खबर, ये पहली बड़ी खबर दोस्तों रोमारियो शेफर्ड को लेकर आई है। जहां दोस्तों रोमारियो शेफर्ड लखनऊ की टीम का हिस्सा था आईपीएल 2023 में। और दोस्तों जैसे ही एमआई की टीम ने रोमारियो शेफर्ड को आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले अपनी टीम के अंदर ट्रेड किया है, तो अचानक दोस्तों रोमारियो शेफर्ड काफी जबरदस्त प्रदर्शन वेस्ट इंडीज की टीम के लिए हमें करते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लैंड की टीम के खिलाफ में। और दो पारियां इन्होंने 3 इनिंग के अंदर दो पारियां काफी कमाल की खेली है और विंडीज की टीम को मैचेस भी जिताए है। तो रोमारियो शेफर्ड दोस्तों काफी जबरदस्त ऑलराउंडर हमें नजर आ रहे हैं, और दोस्तों बॉलिंग करते हुए काफी ज्यादा विकेट हमें ये इंग्लैंड की के लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दोस्तों पोलार्ड के बाद में विंडीज का एक प्रॉपर ऑलराउंडर एमआई की टीम को मिल चुका है कायरन पोलार्ड के बाद में। और नहीं अब वेस्ट इंडीज के पास में रोमारियो शेफर्ड जैसे ऑलराउंडर है, जेसन होल्डर दोस्तों बॉलिंग तो अच्छी करते हैं क्योंकि विंडीज के खिलाड़ी, लेकिन बल्लेबाजी इतनी कुछ खास नहीं करते, लेकिन रोमारियो शेफर्ड दोनों ही काफी जबरदस्त करते हैं बैटिंग भी और बॉलिंग भी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है रोमारियो शेफर्ड इफेक्टिव साबित होंगे या फिर नहीं मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। लेकिन बल्लेबाजी देखते हुए तो ऐसा लगता है कि काफी जबरदस्त ये खिलाड़ी है और इजीली सक्सेस लगा सकते हैं। वैसे आप लोगों की क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी न्यूज की। ये बड़ी न्यूज जो है दोस्तों ट्रेविस हेड को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, आखिर ट्रेविस हेड हमें एमआई की टीम के अंदर आते हुए दिखने वाले हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों एक कंफर्म हो चुका है कि एमआई की टीम टारगेट तो कर सकती है, लेकिन दोस्तों बहुत कम चांसेस है कि एमआई की टीम टारगेट करे। लेकिन दोस्तों जो कंफर्म न्यूज है वो निकल कर आ रही है कि एमआई की टीम ट्रेविस हेड को अपनी टीम के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाली है। जी हां दोस्तों, हमें ट्रेविस हेड एमआई की टीम के अंदर आते हुए नहीं दिखने वाले, ये सब कंफर्म हो चुका है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। ये बड़ी न्यूज ईशान किशन को लेकर आ रही है। जहां दोस्तों ईशान किशन को जो बैटिंग करेंगे मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से आईपीएल 2024 में, उसमें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए ईशान किशन को या फिर दोस्तों ओपनिंग करनी चाहिए रोहित शर्मा के साथ में, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ कि ईशान किशन एज ओपनर सही रहने वाले हैं एमआई की टीम के लिए या फिर मिडिल ऑर्डर में ये ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, तो आप अपनी राय दोस्तों जरूर से कमेंट हमें करके बता दीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।